नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार चोरी के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जब फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात बदमाश द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया है। परिवादी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के नजदीक सुखदेव नगर एयरपोर्ट का है, जहां सुनील प्रजापत पिता लक्ष्मी नारायण प्रजापत ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि कोई अज्ञात आरोपी मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर हॉल में लगी सैमसंग कंपनी के एलईडी कीमत 17,000 रुपए और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी और 2 ATM कार्ड चुरा कर ले गए हैं। फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, वहीं आसपास लगे फुटेज भी खंगालने में जुटी है। दरअसल यह घटनाक्रम सुखदेव नगर में जो घटित हुआ है, उसमें पीड़ित के अनुसार अज्ञात आरोपी के द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर घर में जो रखी हुई एलईडी टीवी और साथ ही सोने चांदी की जेवरात एवं नकदी की चोरी की गई है। थाना एरोड्रम में घटना की शिकायत दर्ज की गई है, अपराध पंजीबद्ध हुआ है और यह नकबजनी करने वाले अज्ञात आरोपी की पतारसी के प्रयास चल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो संदिग्ध उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उन पर उनसे भी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम आरोपी टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।